रेड पास्ता तो आप सभी ने बहुत खाया होगा, लेकिन आज मैं एक ऐसी हेल्दी और टेस्टी पास्ता रेसिपी लाई हूँ जिसे आप एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। आज हम सब्जियों से भरपूर डिसानो पास्ता बनाएंगे जो बाजार से मिलने वाले किसी भी पास्ता से कहीं ज्यादा हेल्दी और टेस्टी है। तो चलिए फटाफट से इंडियन फूड मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम हेल्दी रेड पास्ता बनाना शुरू करते हैं। रेड पास्ता रेसिपी के लिए आज हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। आज की हेल्दी रेड पास्ता रेसिपी हम डिसानो का ऑथेंटिक इटालियन पास्ता इस्तेमाल करके बनाएंगे। ये पास्ता हेल्दी है क्योंकि यह सूजी से बना हुआ है। डिसानो का सूजी पास्ता आम मिलने वाले मैदे के पास्ते से कहीं बेहतर हेल्दी और टेस्टी है। तो सबसे पहले हम पास्ता बॉईल करेंगे, जिसके लिए एक गर्म कढ़ाई में थोड़ा पानी डालें। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें एक चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिला दें। अब इसमें 250 ग्राम पास्ता डालकर उबाल लें। पानी अच्छी क्वांटिटी में डालें क्योंकि पास्ता काफी पानी अब्सॉर्ब कर लेता है। पानी उबलने पर पास्ता डबल क्वांटिटी का हो जाता है, तो बर्तन भी उसी हिसाब के साइज का लें। उबालते वक्त करछी बारी बारी चलाते रहें ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं और अच्छे से बॉईल हो सके। हाई फ्लेम पर तकरीबन 8 से 9 मिनट उबालने पर पास्ता अच्छे से गल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ता पहले से कितनी ज्यादा क्वांटिटी का हो गया है। उबालने के बाद हम एक बार पास्ता चेक कर लेते हैं। हमें जैसा चाहिए था पास्ता बिल्कुल वैसा सॉफ्ट हो गया है। आप देख सकते हैं ये बड़े आराम से टूट रहा है। तो अब हम पास्ता स्ट्रेन करके इसका सारा पानी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रेनर लिया है जिसे हम एक बाउल पर रखकर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पास्ता का पानी बाउल में कलेक्ट हो जाए। पास्ता को इसमें डालकर इसका सारा पानी निकाल लें। इस पानी को फेंके नहीं, इसे हम पास्ता पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर पास्ता को एक दो बार अच्छे से हिला दें ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। ऐसा करने से पास्ता बढ़िया प्रेजेंटेबल बनकर तैयार होगा। पास्ता उबालने के बाद अब हम फटाफट से पास्ता पका लेते हैं, जिसके लिए हम डिसानो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा तेल है। पकाने के लिए एक गर्म कढ़ाई में तकरीबन 2.5 से 3 चम्मच तेल डालें। गैस हमने मीडियम हाई पर सेट की है। बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर के लिए इसमें डालें बारीक काटी हुई 7 से 8 लहसुन की कलियां। इन्हें थोड़ा सा भून लें। इसमें डालें चॉप किया हुआ एक प्याज, जिसे हम आधे मिनट के लिए पकाकर थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। जब प्याज का रंग ट्रांसलूसेंट हो जाए तब हम इसमें अपने पसंद की सब्जियां डालेंगे। हमने ली है 3 चम्मच कॉर्न और चॉप की हुई एक छोटी शिमला मिर्च। इन्हें भी हम पकाकर थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें गाजर, फलियां या ब्रोकली डालकर भी बना सकते हैं। जो भी सब्जी डालें उसे पकाकर थोड़ा सॉफ्ट जरूर कर लें। इन्हें सॉफ्ट करने के लिए इन्हें हम 1 से 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। जब सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, तब इसमें चॉप किया हुआ एक टमाटर डालकर पका लें। सब्जियों के मुकाबले टमाटर को गलने में बहुत कम समय लगता है। कलरफुल सब्जियों से हमारा पास्ता हेल्दी होने के साथ साथ देखने में भी बहुत प्रेजेंटेबल बनने वाला है। टमाटरों को जल्दी गलाने के लिए इसमें आधा चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक डालकर मिला दें। पास्ता को और भी हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें आयरन से भरपूर चॉप की हुई आधा कप पालक डालकर मिला देंगे। पालक डालने से पास्ते में एक बढ़िया कलर और टेक्सचर भी आएगा। लगभग 1 मिनट के लिए पकाने पर पालक भी काफी सॉफ्ट हो जाएगी।
तो अब गैस मीडियम पर सेट करें और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हमने लिया है आधा चम्मच काली मिर्ची पाउडर, बढ़िया फ्लेवर के लिए एक चम्मच ऑरिगेनो और थोड़ा चटपटा तीखापन लाने के लिए इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालकर अच्छे से मिला दें। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और काली मिर्ची पाउडर से ये बहुत ज्यादा तीखा नहीं बनेगा। अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो चिली थोड़ा ज्यादा डालें और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा कम ही रखें। अब पास्ता को बढ़िया रंग और टेक्सचर देने के लिए इसमें आधा कप टोमेटो प्यूरी डालकर मिला दें। आप चाहें तो बाजार से मिलने वाली प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो दो टमाटरों को ब्लेंडर में ब्लेंड करके प्यूरी बनाएं और इस्तेमाल करें। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता डालकर मिलाएंगे। पास्ता बहुत बढ़िया पका है जो कि आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अब हम पास्ता को सब्जियों में अच्छे से मिला देंगे। टोमेटो प्यूरी के कारण पास्ता पर बढ़िया लाल रंग चढ़ा है जो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। पास्ता और सब्जियां अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम पास्ता को बढ़िया क्रीमी टेक्सचर देंगे, जिसके लिए पहले डालें दो चम्मच टोमेटो केचप, तीन चम्मच फ्रेश क्रीम और तकरीबन एक से दो चम्मच मोज़रेला चीज डालकर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। मेरा यह मानना है कि पास्ता जितना क्रीमी हो खाने में उतना ही टेस्टी लगता है, लेकिन आप अपनी पसंद के हिसाब से चीज और क्रीम की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब लास्ट में हम पास्ता को स्ट्रेन किया हुआ पानी डालकर पकाएंगे। हम यहाँ तकरीबन एक तिहाई कप पानी डाल रहे हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से, अगर आप थोड़ा और पतला करना चाहें तो पानी और डाल सकते हैं। पास्ता का स्ट्रेन किया हुआ पानी टेक्सचर में काफी थिक हो जाता है। इसमें पास्ता पकाने पर यह और भी क्रीमी और बढ़िया बनकर तैयार होता है। स्ट्रेन किए हुए पानी में 3 से 4 मिनट पकाने के बाद पास्ता सर्व करने के लिए तैयार है। यह सूजी से बना हेल्दी पास्ता सब्जियों से भरपूर है और खाने में बहुत क्रीमी और टेस्टी है। इसे मोज़रेला चीज से गार्निश करके सर्व करें। एक बार इस रेसिपी से पास्ता बनाएं, आप इस रेड पास्ता रेसिपी के फैन हो जाएंगे। इसे आप जिसे भी बनाकर खिलाएंगे वो आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसी ही और टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल इंडियन फूड में डीजी को अभी सब्सक्राइब करें।